अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के साथ टॉर्टिला का हैक शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही लाइफ सेविंग ये ट्रिक है। बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं और आराम से जो है उसको लंच में भी लेके जा सकते हैं। तो मैंने सिंपल एक टॉर्टिला ले ली है, बाजार की है सिंपल, उसको यहाँ से कट लगा लिया है। साथ ही मैं इसके अंदर यहाँ पे डालूंगी इस कॉर्नर पे, आई एम गोना मेक पुट द एग्स। मैंने सिंपल जो है वो स्क्रैम्बल एग बना लिया, थोड़ा सा एक टेबल स्पून बटर लेकर, साथ ही इसके अंदर दो तीन अंडे डाल के और उसे काली मिर्च नमक डाल के अच्छे से हल्की आंच पे मिक्स कर लिया। तो ये आपका स्क्रैम्बल एग तैयार हो गया। कोई सा भी एग, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, ऑमलेट, जो आपका दिल चाहे इसमें डाल सकते हैं। साथ ही जो है मैं साइड पे थोड़ी सी चीज़ डाल दूंगी। ये चीज़ चली गई है, ये मेरे पास मोजरेला और चाटर का मिक्सचर है, इट्स अ पिज्जा चीज़। साथ ही जो है वो मैं इसके अंदर यहाँ पे जो है वो चिकन के स्ट्रिप्स डाल रही हूँ। ब्रेकफास्ट स्ट्रिप्स मिल जाते हैं बहुत इजीली, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी पिक्चर्स में दिखता है, तो मैं आपको बता दूँ आप लोगों को सिंपल ये जो है वो चिकन स्ट्रिप्स हैं। बेकन की तरीके की स्ट्रिप्स कटी होती हैं, क्योंकि हम लोग बेकन नहीं खाते, तो वी यूज़ दी स्ट्रिप्स। आपको बीफ में भी मिल जाएंगी, बाकी ब्रांड्स की भी मिल जाएंगी, बहुत कॉमन है, हल्की आँच बड़ी अच्छी क्रिस्पी सी बन जाती है। साथ जो है वो मैं एक साइड पे थोड़ा सा बटर लगा लूँगी। आई लव बटर, स्पेशली ब्रेकफास्ट में तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो आई एम गोना पुट अ लिटिल बटर ओवर हियर, जस्ट कि सारी चीज़ों को हल्का सा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा केचप, आई मैं केचप लगा दूँ। सो ये चला गया, साथ ही आई एम गोना रैप दैट लाइक दिस। सुपर ईजी, सुपर क्विक। अब हम इसको फ्राइंग पैन में सेकेंगे। तो सिंपल मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, फुल आंच है इसकी, और पूरा जो हमने जो रैप तैयार किया था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही एक साइड पे हल्का सा जो है वो बर्न होना शुरू होगा, मुझे भी अभी हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, तो फिर मैं इसको फ्लिप करूँगी और चीज़ भी साथ के साथ मेल्ट हो जाएगी और इसकी स्किन अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कैसा। साथ ही साथ आप उसे प्रेस कर दीजिए, जो अच्छा है, जो भी आप प्रेसर नहीं है वो आराम से इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, और वरना कोई हैवी प्रेसर्स भी आते हैं, या फिर आप हाथ से इस तरह के भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप कभी भी किसी पनीर सैंडविचेज या कुछ भी आप बना रहे हो जिसको आपको प्रेस करना, शावरमा वगैरह को भी हमको अक्सर करना पड़ता है, तो ये सबसे अच्छी ट्रिप है। मैं भी यही यूज़ करती हूँ, इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी ईजी। ये तो रैप दोनों साइडों से बड़े अच्छे से जो है ना वो सिक गया है। अब सब कलर भी देख सकते हैं, बड़ा अच्छा सा आ गया है। अब हम इसको कट करके देखते हैं अंदर से इसकी कैसी लुक है। लेट्स सी, वाह, इट लुक सो नाइस एंड सो जूसी। अब हम दूसरा वाला भी बनाएंगे और उसको भी देखते हैं कि सिंपल में बगैर जबी हाथ की जो स्ट्रिप्स में यूज़ करती हूँ उसके अलावा मैं किस तरीके से बनाती हूँ। सिंपल मैंने एक कॉफी ला ले ली है, साथ ही बीच में से कट लगा दूंगी मैं इधर। साथ ही मैंने इस साइड पर रख दिया थोड़ा सा अंडा। साथ ही मैं इसके अंदर मशरूम्स और अनियंस मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून बटर में जो है ना सौते कर लिए हैं। आई लव मशरूम्स एंड अनियन, बहुत अच्छे लगते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बहुत ही अच्छा सा उसका फ्लेवर भी आता है। साथ में जो हूँ वो एक साइड पे लगा रही हूँ चीज़, थोड़ी सी दही स्प्रिंकल कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। साथ जो है वो मैं इसके अंदर डाली हूँ क्रीम चीज़। बटर पहले से मेरी नाइफ पे थोड़ा सा लगा हुआ है, आई एम गोना पोर दैट इन, और साथ ही थोड़ी सी क्रीम चीज़, क्योंकि मैंने इधर चीज़ कम डाली है जान के, क्योंकि क्रीम चीज़ बनानी है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा ऑर्डर। सो ये हमारी क्रीम चीज़ इस पर चली गई। साथ हम गोना रैप दिस टू दिस वन, अब इसको इधर फोल्ड कर देंगे और एंड में चीज़ वाला इसके ऊपर चला जाएगा और ये भी जा रहा है पैन में। ये दूसरा वाला हैक भी हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है और बहुत ही गर्मा गर्म तैयार हो चुका है। हम गर्म करते हैं जो
रेसिपीज टर्न आउट सो डिलिशियस एंड सो नाइस। तो ये हमारी आज का वीडियो थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। सिंपल नाश्ता, सिंपल, वेरी क्विक एंड वेरी डिलिशियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।